खंडवा जिले के पंधाना नगर में हुई डकैती और लूट की दोनों वारदातों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने विगत माह में पंधाना के एक व्यापारी और पेट्रोल पंप पर वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें इंदौर इच्छापुर हाईवे से पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस गिरफ्त में आए शातिर लुटेरों से एक देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, अन्य हथियार एवं एक तूफान जीप भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 5 दिन का रिमांड मांगा है। खंडवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि गिरफ्तार किए आरोपियों से की गई पूछताछ में आरोपियों ने पंधाना में हुई दोनों वारदातें कबूली हैं। इसके द्वारा अभी प्राथमिक पूछताछ में दो घटनाओं में अपनी स्वीकारोक्ति की गई, पेट्रोल पंप वाली घटना और व्यापारी के साथ मारपीट वाली घटना, लूट वाली घटना में। अभी इनका प्रतिरिक्त रिपोर्ट मंगाया जा रहा है, पुलिस रिमांड और लिया जा रहा है, इससे कि और तस्दीक की जाए इनकी लिप्तता किन किन क्षेत्रों में, किन किन घटनाओं में। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के 3 साथी अभी फरार है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वारदात को अंजाम देते समय आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पकड़े गए सभी आरोपी धार जिले के टांडा के निवासी है, जिनका एक साथी पंधाना से है जो इन्हें सूचना भेजा करता था। इस घटना का पर्दाफाश करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाने की घोषणा की गई। खंडवा से राहुल बोरसिया की रिपोर्ट।